गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ वाले स्टूडेंट लोग, आप लोग होमवर्क दिए करने के लिए क्वेश्चन बी सी डी ई दिए थे। आप लोग एफ जी भी करके आइए, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए बी में क्या करना है, क्वेश्चन बी में जो है करेक्शन करना है आर्टिकल का, क्या करना है आर्टिकल का करेक्शन करना है क्वेश्चन बी में। ठीक है, क्वेश्चन बी में क्या करना है, आर्टिकल का करेक्शन करना है। क्वेश्चन सी में जो है द जहां जहां जरूरत है सही जगह पे वहीं पे देना है, और जहां नहीं देना है वहां पे क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन सी में। क्वेश्चन डी जो है उसमें क्या करना है कि जहां भी जरूरी है वहां पे क्या करना है, द का इस्तेमाल हम लोग करना है उस सेंटेंस में। क्वेश्चन डी में यही है। उसके अलावा क्वेश्चन ई जो है हम लोग बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ई में जो है उसमें हम लोग बताना है क्वेश्चन जो सही है या गलत है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो गलत है उसको सही करके लिखना है क्वेश्चन नंबर ई में। उसके बाद कुछ नीचे देखिए, जैसे दिया हुआ है वो डेफिनेट नाउन बताया था जो फिक्स्ड है, जैसे माउंटेन रेंज में हिमालय एल्प्स सब के साथ क्या लगता है, द लगता है, सब डेफिनेट नाउन है, फिक्स्ड है, दूसरा हिमालय नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीज आपको समझाया था पिछले क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन एफ जो है उसमें भी द का जहां जहां जरूरत है आप उसको क्या कीजिएगा, वहां डालिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन जी जो है उसमें एक चीज बताया है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, डिग्री आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके साथ क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा आगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सेंटेंसेस के साथ में सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा करके सेंटेंसेस बनाना है, और चैप्टर हम लोग समाप्त हो जाएगा इसके साथ, आप लोग बना लीजिएगा। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो भी वर्क है उन सारे को हम एक एक क्वेश्चन करके आपको धीरे धीरे करा देंगे। ठीक है, तो आप इसको करके आइएगा। होमवर्क क्या है आपका, तो क्वेश्चन बी सी डी ई और क्या है क्वेश्चन हमारा एफ जी है, क्या एफ और जी एफ जी, इतना सारा क्वेश्चन करके आपको आना है। आज के लिए इतना ही रह देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।